फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। दोस्तों, मेरा जो चैनल है स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड, जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशन के हर टॉपिक को इंक्लूड करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, अभी तक इंटेलिजेंस में हम कौन कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का संप्रत्यय, बुद्धि क्या है, बुद्धि के एस्पेक्ट्स और बुद्धि की डेफिनेशन के अंतर्गत आती हैं, ये अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रकार। इसके बाद हमने किया थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस की थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, फैक्टोर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के कार्यकीय सिद्धांत, और दूसरे नंबर पर आता है कॉग्निटिव थ्योरीज या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के क्रिया उन्मुख सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। फैक्टोर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम कौन कौन सी यानी कि बुद्धि के जो कार्य के सिद्धांत हैं, उनमें हम कौन कौन सी थ्योरीज कंप्लीट कर चुके हैं, आइए देखते हैं। यूनिक फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आठ थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, एक बात बता दूं मैं यहाँ पर कि ये जो थ्योरीज हैं, ये आपके सीटेट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नेट में तो एजुकेशन के में जो नेट करना चाहते हैं उनमें तो ये काफी डिटेल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एमएड एमफिल का तो ये एक पार्ट है ही। इसके बाद आती है कॉग्निटिव थ्योरीज या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के क्रिया उन्मुख सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ पर दो प्रमुख थ्योरीज हैं, ट्रायआर्किक थ्योरी और थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ट्रायआर्किक थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको यहाँ मैंने स्किप किया है। इसको जब हम साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का जो चैप्टर करेंगे तो वहां पर जो बुद्धि का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जो कि दिया गया है जीन प्याजे के द्वारा, वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट यानी कि बुद्धि मापन का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि मापन के इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, प्री बीने पीरियड, बीने पीरियड और पोस्ट बीने पीरियड यानी कि प्री बीने पीरियड। देखते हैं सबसे पहले बीने पूर्व काल, बीने से पूर्व काल कौन सा था, उसमें किस तरह के जो है टेस्ट बनाए गए थे और क्या क्या हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में मानसिक योग्यताओं के मापन पर काफी कार्य हुआ। इनमें जो है वेबर, गाल्टन और कैटल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और जो मेंटल टेस्ट यानी कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1819 में कैटल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक नेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी क्वेश्चन बन गया है कि मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वो है कैटल, जिन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके बाद सन 1891 में बॉल्टन ने, 1893 में जेस्ट्रो ने, और 1894 में गिलबर्ट ने, और 1895 में ओ हर्न ने भी अपने अपने द्वारा बनाए गए परीक्षणों के द्वारा मानसिक योग्यताओं का मापन करने का प्रयास किया गया। अब आते हैं बीने पीरियड यानी कि बीने काल, बीने के काल, इसमें क्या क्या हुआ था। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के जो शिक्षा अधिकारी थे, उनका ध्यान अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में
फेल होने वाले छात्रों की बड़ी संख्या की तरफ आकर्षित हुआ। उन्होंने सोचा कि यहाँ जो प्राइमरी स्कूल थे वहां पर काफी संख्या में बच्चे फेल हो गए, तो उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की यह विशाल संख्या किस कारण से थी, कि क्या छात्र कठिन परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, या छात्रों में कोई जन्मजात, छात्रों की जन्मजात योग्यता में कोई कमी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फ्रांस के जो जन शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्टर फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे, उनके द्वारा सन 1904 में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने एक ऐसे वस्तुनिष्ठ शिक्षण की आवश्यकता महसूस की जो कि अल्प बुद्धि छात्रों को छाट सके। तो इस आयोग के द्वारा बुद्धि परीक्षण के निर्माण की आवश्यकता महसूस करने के परिणाम स्वरूप बीने और साइमन नामक दो व्यक्तियों के विशेष योगदान से पहला प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ, और इसे सन 1905 में का बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। तो नेट में या सीटेट में भी इस तरह से कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किस सन में बनाया गया, तो 1905 यानी कि 1905 में बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया, तो वो थे बीने और साइमन। तो इसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। वास्तव में क्या था कि बीने और साइमन दोनों ही इस आयोग के सदस्य थे, तथा बुद्धि का मापन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न जो भी विधियां थी उन पर विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे उपयुक्त विधि अनेक छोटे छोटे मानसिक कार्यों का चयन करके ये देखा जाए कि विभिन्न आयु के बालक उनमें से किन किन कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तब इन्होंने निर्णय, स्मृति, तर्क, अंक गणना जैसे विभिन्न मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए, और इन प्रश्नों को अनेक बालकों पर प्रसारित करके उन्होंने कुल केवल 10 प्रश्नों का चयन किया, और इन्हें जो है कठिनाई के बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करके बुद्धि परीक्षण का रूप दिया गया। बुद्धि मापन के क्षेत्र में अपनी सफलता से उत्साहित बीने तथा साइमन ने अपने इस परीक्षण में सुधार करके सन 1908 में इसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया। 1908 में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई, और तथा इन्हें आयुवार यानी कि आयु के हिसाब से इनको वर्गों में बांटा गया। 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया, और प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कुछ प्रश्नों को निश्चित किया गया। तो मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो का प्रतिपादन भी बीने के द्वारा किया गया। अब सन 1908 वाले परीक्षण में बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका आदि देशों के मनोवैज्ञानिकों ने काफी रुचि ली, तथा उन्होंने इस पर अनेक सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर सन 1911 में बीने साइमन परीक्षण को पुनः परिमार्जित किया गया। इसमें दोबारा से मॉडिफाई किया गया इस टेस्ट को। सबसे पहले बना था 1905 में, उसके बाद उन्होंने मॉडिफाई किया 1908 में, इसके पश्चात इन्होंने इसको तीसरी बार मॉडिफाई किया 1911 में। तो इन सुझावों के आधार पर उन्होंने 1911 में इसको दोबारा से परिमार्जित किया। इन संशोधनों में कुछ प्रश्नों को बदला गया तथा कुछ को निकाल दिया गया, और जो स्कोरिंग मेथड था, अंकन विधि थी, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट किया गया। तो बीने के अनुसार जिस बालक की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर होती है उसे बुद्धि की दृष्टि से सामान्य बालक यानी कि सामान्य बुद्धि वाला बालक कहा जाता है, था मानसिक आयु के वास्तविक आयु से अधिक अगर किसी बच्चे की मेंटल एज यानी कि अगर उसकी मानसिक आयु उसकी रियल एज से अधिक है तो वो तीव्र बुद्धि का, अगर मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम है तो वो मंद बुद्धि का बालक कहा जाएगा। इसके पश्चात सन 1911 में ही बीने की मृत्यु हो गई। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है पोस्ट बीने पीरियड, यानी कि बीने पोस्ट बीने पीरियड, बीने उत्तरकाल, बीने के बाद का जो समय था उसमें किस तरह के परीक्षण किए गए। तो बीने साइमन के द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच बालकों के लिए किया गया था, क्योंकि वो फ्रांस के थे और उन्होंने जो है फ्रेंच बालकों पर ही इसका प्रयोग किया था। तो अन्य देश के बालकों के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करने के लिए इसका अनुवाद उस देश की भाषा में करना तथा वहां का जो भी सोशल और कल्चरल पृष्ठभूमि है यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप
प्रश्नों की विषय वस्तु में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक था। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता को देखते हुए लगभग सभी प्रमुख देशों में इस परीक्षण के अनुकूलन तैयार किए गए, यानी कि इसके अडेप्टेशन तैयार किए गए, इसको अडेप्ट किया गया। इन अनुकूलनों में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन और उनके सहयोगियों द्वारा अनुकूलन तैयार जो किए गए वो काफी प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहला अनुकूलन तैयार किया गया 1916 में, इसके पश्चात 1937 यानी कि 1937 में और 1960 में इसके अनुकूलन तैयार किए गए। ये तीन अनुकूलन तैयार किए गए और स्टैनफोर्ड बीने मापनी का चौथा संशोधन यानी कि इसका चौथा अडेप्टेशन भी आया बाद में 1986 में, 1986 में आया, जिसमें एक नए प्रत्यय मानसिक आयु प्राप्तांक यानी कि स्टैंडर्ड एज स्कोर को भी उसमें जोड़ा गया। इसके बाद भारत में भी सन 1912 में श्री सी एच राइस ने बीने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानी बीने परीक्षण तैयार किया। इसके बाद सन 1939 में वेस्टलर ने बुद्धि मापन के लिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रश्नों वाला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। इसके पश्चात जो ऑर्टिस महोदय के प्रयासों के फलस्वरूप आर्मी अल्फा स्केल जो कि एक शाब्दिक परीक्षण था तथा आर्मी बीटा स्केल जो कि एक अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल परीक्षण था, उसका निर्माण समूह परीक्षण ग्रुप टेस्ट के रूप में किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय आर्मी जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इसके पश्चात भी अनेक सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किए जाते रहे, जैसे रेवन और कैटल के द्वारा तैयार किया गया। भाटिया बैटरी भी एक अच्छा मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।